नमस्कार, स्वागत है आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से इस समय इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस हैं एक्शन के बाद। काला कोथू में दिखाई देने वाली पिछली बार साई धनसिका जो है, उन्होंने एक नई फिल्म साइन की है जिसका नाम है योगिदा। ये फ्लोर्स पर चली गई दो दिन पहले। डायरेक्ट कर रहे हैं इसको एक नए डायरेक्टर जिनका नाम है गौतम कृष्णा, और फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है। डायरेक्टर ने कहा कि धनसिका का जो रोल है कवाली में, उसका नाम है योगी, और योगिदा चूंकि एक एक्शन फिल्म है, इससे अच्छा नाम मिल नहीं सकता था उनको लीड में लेकर के फिल्म बनाने के लिए। फिल्म में बहुत सारा एक्शन होगा, और फिल्म की अगर एक मैं लाइन भी बता दूं कहानी की, तो पूरा मजा खत्म हो जाए। इसलिए आप फिल्म जा करके देखें और तब आपको मजा आएगा। उन्होंने कहा कि हमने शूटिंग शुरू कर दी है, कोयम्बटूर में चल रही है, और कोयम्बटूर में अगले 30 दिनों तक शूटिंग होगी। उसके बाद चेन्नई में भी कुछ शूटिंग होगी, और केरला के कुछ बड़े खूबसूरत लोकेशंस पर भी इसकी शूटिंग की जाएगी। फिल्म में सायजी शिंदे हैं, मरीमुथु हैं, मनोबाला हैं, और कबीर दोहन सिंह जो हैं, जो वेदलाम में जो है विलन बन के आए थे, वो इस फिल्म में मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। एसके भूपति जो हैं वो सिनेमेटोग्राफी देख रहे हैं। डायलॉग्स जो है वो लिख रहे हैं गौतम कृष्णा और हिमेश बाला, और योगिता का जो संगीत है वो है रहमान की जो बहन है इशरत कादरी, उनका दिया हुआ है। एडिटिंग कर रहे हैं थराई थपटाई के जो एडिटर थे जी शशि कुमार, वो खुद कर रहे हैं। तो मज़ा आएगा फिल्म को देखने में। जैसे जैसे फिल्म के बारे में हमें और खबरें मिलेंगी, आप बताते रहेंगे। साई धनसिका, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में जो है एक एक्शन हीरोइन की जगह बननी है, तो साई धनसिका से अच्छा उसके लिए कोई दूसरा कलाकार नहीं। और एक पंच थ्रो करने वाली एक्ट्रेस जो है इंडस्ट्री में होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि साई धनसिका और टाइगर श्रॉफ को लेकर के एक फिल्म बनानी चाहिए। दोनों जो हैं दो अलग अलग एंड से आए और विलन पर टूट पड़े, देखने लायक सीन हो। देखते हैं, कुछ इस तरह का सपना मेरा पूरा होता है कभी कि नहीं, लेकिन मैं ये सपना तो जरूर देख रहा हूँ कि साई धनसिका आने वाले दिनों में कई एक एक्शन फिल्मों में काम करें, और हमें जो है एक फिर वापस हंटर वाली हीरोइन जो है मिलनी चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मैं ब्रेक के बाद लौट करके अच्छी फिल्मों के बारे में बात करूंगा आपके साथ, जैसे अभी की।